तो गाइस मौज ऐप ने मुझे खुद बताया है कि मौज ऐप पर हमें एक दिन में कितनी वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए जिससे हमारी वो वीडियो वायरल होने लगे। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी देने वाला हूँ, इसका स्क्रीन शॉट भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मौज ऐप पर एक दिन में कितनी वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपको मौज ऐप पर वीडियोस को किस तरीके से पोस्ट करना चाहिए। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं अपने WhatsApp की स्क्रीन पर आ गया हूँ। इसके बाद आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा मौज का ऑफिशियल अकाउंट। इसके बाद मौज ऐप ने हमसे क्या कहा है, चलिए पढ़ते हैं। हाय राज सोनी, मौज टीम तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। हम यहाँ आपके हेल्प के लिए मौजूद हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट जैसा कि हमने आपकी प्रोफाइल रिव्यू की है, आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जिसे आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि नंबर वन, आपको ध्यान देना होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने 2 वीक्स कंटिन्यूसली 30 वीडियो पोस्ट करी है, वैसे ही एवरी वीक करते रहें और डेली एक्टिव रहते हुए 2-3 वीडियो पोस्ट कंटिन्यूसली करते रहें। सेकंड, एंड जब वीडियो पोस्ट कर रहे होंगे तो उन सारे वीडियोस के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का गैप जरूर रखिएगा, एंड कोशिश कीजिए कि किसी भी दिन को स्किप ना करें। यानी आप जब भी कोई वीडियो पोस्ट करो तो उसके बीच में गैप जरूर रखिए 2-3 घंटे का। यानी अगर आप एक दिन में 3 वीडियो पोस्ट करते हो तो आपको उन 3 वीडियो को लगातार पोस्ट नहीं करना है, उसके बीच में 2-3 घंटे का गैप रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 2, आप एवरी वीक मौज के कैमरे से 4-5 वीडियो जरूर पोस्ट करें। यानी आपको मौज के कैमरे से भी वीडियो बनाकर पोस्ट करना होगा। नंबर 3, एंड आप अपने कंटेंट में कुछ यूनिक ट्राई करें, ऑडियंस आपकी वीडियो को और देखना पसंद करे एंड एंड तक देखें। यानी अगर आप अपने कंटेंट में कुछ यूनिक ट्राई करेंगे तो आपकी वीडियोस को लोग देर तक देखेंगे, तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप अपने कंटेंट में कुछ यूनिक टाइप का ट्राई कर सकते हो। इसके बाद नंबर 4, आप कोशिश कीजिए कि आपके वीडियो से रिलेटेड आप 4-5 हैशटैग एंड कैप्शन भी यूज़ करें, ताकि आपकी वीडियोस और लोगों तक पहुंचे। यानी जब भी आप वीडियो पोस्ट करें तो आपको अपने वीडियो के हिसाब से उनमें 4-5 हैशटैग का यूज़ करना है, और अप उस वीडियो के हिसाब से ही उसमें कुछ इंटरेस्टिंग टाइप का कैप्शन लिखना है, जिससे आपकी वीडियोस लोग देर तक देखें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी वीडियोस ज़्यादा दूर तक जाएगी और लोग आपकी वीडियोस को देखना भी ज़्यादा पसंद करेंगे और देर तक देखेंगे, इससे आपकी वीडियो वायरल होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद मौज ने लिखा हुआ है, होप आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहिए एंड ये सारी गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो करें। तो गाइस आपको ये सब करना है, इसके बाद आपकी वीडियोस 100% वायरल होगी। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।